स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 30 अप्रैल 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश के पनडुब्बी KRI नगाना 402 का रेस्क्यू अभियान ज्वाइन किया है? अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया या फिर ब्राजील? द राइट आंसर इज हेयर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट वन इज टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में किन दो भारतीय कंपनियों को जगह दी गई है? देखिए जियो एवं बायूजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जियो भी काफ़ी फेमस है क्योंकि हम बहुत से उसका जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है हमारी कंट्रीज में, जियो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। और दूसरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो सेकंड वन इज हेयर, जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे बायूजी है, जो कि एक ऑनलाइन कोचिंग का प्लेटफॉर्म है लेकिन काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बार्मा बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है राफेल नडाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज DRDO ने स्वदेशी लड़ाकू विमान को 5वीं पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? देखिए इसे नाम दिया गया है Python 5, आपने इसको याद रखना है। Python 5 आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज गृह मंत्रालय ने सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पुनावाला को कौन सी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो इन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समय भी देता रहूँगा ताकि आप लोग चार ऑप्शनें खुद ही पढ़ लिया करें। तो आपको बताना है द लिविंग माउंटेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे यदि आप देख रहे होंगे तो इस किताब को लिखा गया है, यदि आप इसके ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी अमिताभ घोष इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज यूनिसेफ के गुडविल अम्बेसडर किसे बनाया गया है? चार ऑप्शनों को आपके स्वयं पढ़ना है और यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है डेविड बेकहम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाल ही में कृष्णमूर्ति संतानम का निधन हो गया, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे? तो देखिए वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे लेकिन इनका निधन हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को आपने याद रखना है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, कासंग नाला व नेसंग नामक स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिला में अवस्थित है? सिरमौर, मंडी, शिमला या फिर किन्नौर? तो ये स्थल अवस्थित है किन्नौर में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश सरकार 6ठे नगर निगम का दर्जा किसे देने जा रही है? देखिए बिलासपुर चर्चा में है, करीब 15,000 के आसपास इसकी पॉपुलेशन बताई जा रही है। सरकार अभी इसके ऊपर विश्लेषण कर रही है, क्या इसे नगर निगम बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। इससे पहले के जो 5 नगर निगम है वो भी आपको याद होने चाहिए। सबसे पुराना है हमारा शिमला, सेकेंड पे हमारे पास धर्मशाला है और जो 3 अभी नए बने हैं उसमें है एक मंडी, सोलन और पालमपुर। तो देखिए आप इसको किसी भी तरह से आप इसको याद रखिएगा, GOT की परीक्षा में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, आपके आने वाले कंपिटेटिव एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए बिलासपुर आजकल सुर्खियों में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? द राइट आंसर इज हेयर चंबा। देखिए जो जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज है चंबा में है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज की बात करें हमीरपुर में है, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज की बात करें तो हमारा मंडी जिला के नेरचौक में अवस्थित है, और उसी कॉलेज के कैंपस के अंदर अटल यूनिवर्सिटी भी चलती है, ये भी आपको याद रखना है। और IGMC मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? शिमला में। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन जब मेडिकल कॉलेजों की बात की जाएगी, COVID-19 पैंडेमिक चल रहा है तो ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में होने चाहिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस संसदीय क्षेत्र से है?
हिमाचल प्रदेश से 4 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से मंडी एट प्रेजेंट वैकेंट चल रही है, शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर से हमारा प्रतिनिधित्व तो जारी है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है हमीरपुर, तो हमीरपुर से है हमारे अनुराग ठाकुर जी, जो कि वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, स्टेट फॉर फाइनेंस है। ठीक है जी, अब देखिए सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि COVID-19 पैंडेमिक फैल रहा है, तो इनके द्वारा देखिए विभिन्न जो इनके कंस्टिट्यूंटी में कोविड पॉजिटिव है उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनके हाल चाल पूछ रहे हैं, जो भी यथासंभव इनसे हो पा रहा है। तो एक सांसद के रूप में भी ये अपने जनप्रतिनिधित्व के जो इनके दायित्व है उनका निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश में पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों ने ए ग्रेड पास प्राप्त किया है? देखिए 26% ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया है, जो कि बहुत ही कम यहाँ पे लग रहा है क्योंकि COVID-19 पैंडेमिक के बीच में जो पढ़ाई हुई है लगभग व्हाट्सएप एटसेट्रा के माध्यम से ही हो पाई है। यदि आप अपने जीवन में जल्दी से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सही मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट का एड्रेस बताया जा रहा है, elastudy.co.in। यहाँ पे मैं इसको मार्क भी कर रहा हूँ, इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। इस वेबसाइट पे आपको कुछ ऐसी अध्ययन सामग्री मिलेगी जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस अध्ययन सामग्री को डिजाइन किया गया है। विभिन्न तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इलास्ट्री टीम के जो करंट अफेयर्स है इसकी भी किताब लॉन्च की जाती है, ईयर बुक है, 3 महीने के करंट अफेयर्स की हमारी पत्रिका कंटिन्यूसली चलती रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, HP गवर्नमेंट का बजट, इकोनॉमिक सर्वे है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब, हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित बहुत ही बेहतरीन किताब है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस किताब में प्रथम संस्करण में ही आप लोगों के लिए 10,000+ का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल करवाया गया था। एक ऐसा क्वेश्चन बैंक बन चुका है जहाँ से अधिकतर प्रश्न रिपीट होते हैं। कुछ ही दिनों में आपकी क्लर्क की परीक्षा होगी और हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जिसमें आपको एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज और पिछले 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व किए गए हैं। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता कि इसमें किस तरह का सामान्य ज्ञान बन चुका है, जो कि क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षा में बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट भी होते रहते हैं। और नवीनतम किताबों की श्रेणी में आपको बता दें, प्रीवियस सॉल्वर्ड पेपर की किताब इलास्ट्री प्लेटफॉर्म की लॉन्च हो चुकी है। ये की किताब में सारी की सारी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन सभी परीक्षाओं के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व करके आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया गया है। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगे। देखिए इस किताब से आपको एक विजन मिलेगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न रिपीट होते हैं और आपको किस तरह से तैयारी करनी होगी। कुछ लिमिटेड कॉपीज ही हमारी टीम के पास अवेलेबल है, जल्दी से आप इस किताब को भी ऑर्डर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।